आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से, एक्सरसाइज 6A कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का बुक्स है। तो अब ये डियर स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शो डैट द फ्लोइंग, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल वो सब मैंने करवा रखा है, और जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी बुक के वो सब का सॉल्यूशन डला हुआ है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा, उसके अंदर इंट्रोडक्शन थ्योरम हर एक चीज़ डला हुआ है, वहाँ से आप अपना हर एक टॉपिक कवर कर सकते हो। तो शो डैट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट किसके हैं, मतलब कि स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, दिस वी हैव टू प्रूव। तो तीन इसमें दिया हुआ है 26 में, एक वन, उसके बाद ये दूसरा, एंड ये थ्री हो गया हमारा। तो तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों बिल्कुल एक ही जैसे बनेंगे। मैं एक कोई एक को बना देता हूँ, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं वन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बाकी दूसरा एंड तीसरा आप लोग खुद से कर सकते हो, सो कर लेना। चलिए, तो आइए वन नंबर को मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन वन का, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के लिए क्या होगा, हमारा सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तीन दो बातें होंगी, एक तो सारा साइड इक्वल, देखो ये जो स्क्वायर है, अगर ये हमारा एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये सारा साइड यानी कि ए बी सी एंड डी, अगर ये पॉइंट्स है हमारा, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड एंड इज इक्वल टू ये साइड होगा। और उसके बाद हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका जो डायगोनल है ना, बी डी जो है वो ए सी के बराबर होगा, ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, रीज़न है इसके पीछे। रीज़न क्या है, अगर हम इसको इक्वल नहीं दिखाएंगे डायगोनल को, तो रोम्बस का भी तो सारा साइड इक्वल होता है, नहीं होता है क्या, रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है। तो इसीलिए आपको या तो ये दिखाना है, देखो दो बातों में से एक काम कर सकते हो कि आप ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड को इक्वल दिखा दो, एंड दोनों डायगनल्स को इक्वल दिखा दो, क्योंकि स्क्वायर का डायगनल्स भी इक्वल होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा स्क्वायर है। या नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये दिखा दो, और एक डायगनल निकाल लो, क्या बी डी, एक डायगनल मैंने बी डी निकाल लिया लेंथ, उसके बाद आप ये दिखा दो कि बी डी इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा, तो यानी कि उससे क्या होगा हमारा कि एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी पैरेललोग्राम या फिर मतलब ऐसा कोई भी रोम्बस वाला फिगर, ये पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड इक्वल है, तो उसका अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखा दोगे तो वो स्क्वायर हो जाता है हमारा, ये भी जानते हैं। तो दो केस है आपके पास में, दोनों में जो अच्छा लगे वो कर लो। तो मैं ये करता हूँ कि ए बी बी सी ए सी डी एंड ए डी, इनको मैं इक्वल दिखा दूंगा और डायगनल निकाल दूंगा, डायगनल को इक्वल दिखा दूंगा, काम हमारा बन जाएगा। आइए, तो इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, तो देखो, तो ए बी अगर हम निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 0-3 का होल का स्क्वायर प्लस y2-y1 तो 5-2, तो 5-2 का होल का स्क्वायर पर रूट, यही होता है ना, तो चलो डाल दिया। तो यानी कि यहाँ से हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 है ना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो रूट अंडर 9 प्लस यहाँ कितना हो गया हमारा, 5-2 गया तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9, यानी कि कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 9+9 18, तो ये 18 आ गया। अब 18 को अगर आप तोड़ोगे, तो 18 को तोड़ा मैंने 2 से, तो ये हो गया 9, फिर 2 से तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 9, यानी कि एक पेयर हमारा आ रहा है। तो इसको यानी कि ए बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि 3√2 यूनिट, ये हमारा ए बी आ गया। अब ए बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकाल लेते हैं। चलो बी सी निकाल लेता हूँ ना, बी सी बी सी बी सी इज इक्वल टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, चलिए रूट अंडर एक्स टू कितना है हमारा, -3 और ये हमारा 0 है, तो -3-0 का होल का स्क्वायर प्लस y2-y1, तो y2 कितना है, तो 2-5, तो 2-5 का होल का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। देखो ये भी आपका निकल गया, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर देखो तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ भी हमको -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9+9 18, तो यहाँ भी हमारा आ रहा है √18, तो ये हमारा यहाँ से बी सी का जो लेंथ है वो फिर आ जाएगा हमारा 3√2 यूनिट, तो हमारा बी सी भी उतना ही आ रहा है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी तो निकाल लिया, अब हम लोग निकाल लेंगे सी डी, तो निकाल लिए सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो सी डी निकालते हैं ये वाला लेंथ, तो 0-3 फिर
फिर से वही आगे काम, 0 माइनस 3 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यानी कि -1 और -2, तो -1 एंड -2 का होल का स्क्वायर। चलिए ये भी हमारा 18 ही आ रहा, देखो तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ तो 9 हो गया, और -1 -2 -3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 प्लस 9 18, तो ये भी हमारा 18 आ रहा है, यानी कि दिस एम्प्लाइज CD इज इक्वल टू हमारा फिर से हो गया 3√2 यूनिट। अब CD भी निकाल लिया, अब हम लोग क्या करते हैं AD निकाल लेते हैं, चारों साइड हो जाएगा हमारा ना, तो चलो AD भी निकालता हूँ, तो ना AD इज इक्वल टू क्या होगा फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1, तो -1 एंड -2 हो जाएगा हमारा फिर से -1 एंड -2 का होल का स्क्वायर। चलिए यहाँ भी स्क्वायर आएगा होल का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो गया हमारा फिर से -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया 9, और ये -1 -2 तो ये भी हमें हो जाएगा 3, तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18, तो ये फिर से हमारा 18 आ गया, यानी कि AD भी हमारा क्या आ रहा है, AD भी हमारा 3√2 यूनिट ही आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सारा साइड तो इक्वल हो गया। अब हम लोग दिखा देंगे कि डायगनल्स भी इक्वल, यानी कि AC इज इक्वल टू BD होगा हमारा, डायगनल्स को भी हम लोग इक्वल दिखाते हैं। तो जगह की कमी है तो हम एक काम करते हैं, इसको फिगर को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं डायगनल्स निकाल सकूँ AC एंड AD। चलो यहाँ पर मैं निकालता हूँ AC, तो नाउ डायगनल AC, तो AC DIAG है, डायगनल मतलब डायगनल है, डायगनल AC का लेंथ निकालो ना, तो AC कितना आएगा हमारा A एंड C, ये है ना हमारा A एंड C, चलो निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होता है ना, तो x2 कितना हो गया हमारा -3 और +3, तो x2 और -x1 यानी कि माइनस, और यहाँ सॉरी यहाँ तो फिर माइनस होगा, तो माइनस का होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा y2 माइनस y1, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा हमारा प्लस, तो 2 माइनस 2 का होल का स्क्वायर, चलिए ये तो 0 हो गया हमारा, यानी कि AC जो है हमारा, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू, देखो तो -3 और -3, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये तो 36 आ गया, और ये तो 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये AC हमारा आ गया रूट अंडर, देखो -3 एंड -3, तो -6 हो गया, -6 का स्क्वायर तो 36 ही आएगा, तो ये हो गया 36 आ गया, यानी कि AC का जो लेंथ है हमारा 36, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 6 का है, तो ये लिख दो 6। चलो तो ये हमारा निकल गया, अब हम लोग निकालते क्या, AC निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे BD डायगनल जो है, नाउ डायगनल BD, तो BD का जो लेंथ है अब वो क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू रूट अंडर, BD बोले तो कहाँ है, BA है DA है, तो x2 माइनस x1, यानी कि -3 एंड -3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये मेरा वही आ रहा है, और देखिए 1 माइनस 1, तो +1 माइनस 1 का होल का स्क्वायर, ये फिर से हमारा उतना ही है, यानी कि दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू ऑल्सो हमारा आ गया 6 यूनिट है ना, क्योंकि -3 -3, तो -6 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दोगे तो 6 आ गया, तो BD भी 6 आ गया। तो अब यहाँ लिख दो कि है हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना आ रहा है सब हमारा, कितना आया था, तो 3√3 यूनिट, ये इतना ही आया हमारा। ठीक है, एंड डायगनल AC इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो गया हमारा BD, कितना आ रहा है ये हमारा 6 के बराबर आ रहा है, तो देयरफोर क्वाड्रिलेटरल, ये साइन हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यही प्रूफ करना था, और इसी तरह से आपको प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल ही था है ना, खाली आपको लेंथ बस खाली फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज निकालने हैं और दिखा देने, कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी है। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ,
तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।